सो ऑल गाइज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन वी आर लिटिल लेट आठ बजकर ग्यारह मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं सो वील स्टार्ट विद द निफ्टी एंड लेट सी वट हैज़ हैपनड सो ये जो वीक हमारा स्टार्ट हुआ था मोस्ट प्रॉब्लली इट स्टार्टेड फ्रॉम हियर ट्वेंटी एथ ऑफ मार्च एंड उसके बाद देखो तो एक सिंगल एक अप मूव आया हुआ है निफ्टी में जो कि आई थिंक सिक्स हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड का एक रैली है इन दिस सिंगल डायरेक्शन लास्ट वीक साइडवेज मार्केट था इस वीक पूरा ट्रेंडी मार्केट था नाउ ट्रेंडी मार्केट के बाद एक मार्च का जो महीना है वो भी खत्म हो चुका है एंड करंट प्राइस मार्केट में अगर अभी राइट नाउ देखें तो सेवेंटीन थाउजेंड सिक्स सेवेंटी चल रहा है टेक्निकली जो एंटिसिपेशन है मार्केट का उससे भी सेवेंटी पॉइंट्स ऊपर आ चुका है नाउ रही बात एंटिसिपेशन की तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये हम लोग एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं वी स्टार्टेड दिस फ्रॉम दी फिफ्थ ऑफ मार्च ये पब्लिक सेशन का ही स्नैपशॉट है यूट्यूब पर अवेलेबल है सो एंटिसिपेशन ऑफ दिस वेव ये कम्प्लीट एंड अपसाइड और अभी राइट right नाउ हम समवेर यहाँ आ चुके हैं जो कि यह सत्रह हजार छः सौ का एक्चुअली लेवल है आई थिंक अगले या नेक्स्ट ट्रेडिंग जो पब्लिक सेशन है उसमें मैंने आपको रिमाइंडिंग मैसेज भी दिए हैं सो सत्रह हजार छः सौ इज द एंटिसपेशन ये तारीख है बारह मार्च आज हो चुका है एक अप्रैल राइट सो सेवेंटी पॉइंट्स ऑलरेडी हम आ चुके हैं यहाँ पर शैलो करेक्शन भी exactly एग्जैक्टली ऐसे ही आया है जैसा मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया इफ यू पे अटेंशन टू द डेली चार्ट नाउ लुक एट द डेली चार्ट एंड लुक एट दिस इंटरनल करेक्शन ये रहा आपका पीस ये रही आपकी करेक्शन एंड ये रहा आपका अब पीस कंप्लीटिंग दैट इज ए सेवेंटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड का स्ट्रक्चर नाउ यही स्ट्रक्चर आप इस स्नैपशॉट में देख रहे हो टेक्निकली एक ऊपर के ऊपर हो गए बट ये रहे वो पीस सो सिनारी के हिसाब से जो प्ले अराउंड हुआ है वो सिंगल वेव में कंप्लीट हो चुका है ना आंसर हमने यहाँ से ये करना है कि ये रैली जो है ये कंटिन्यू यहाँ से करनी है या फिर ये सिमिलर रहेगा इस वेव के लिए क्योंकि याद रखेगा जब हमने ये वेव की फॉर्मेशन uh, पे डिस्कस करना स्टार्ट किया था ये आप यहाँ पर ये जो ड्राइंग देख रहे हैं इसकी एंटिसिपेशन में किया था ना कि ऑल टाइम हाई के लिए उसके रीजंस भी हमने लेटरवर डिस्कस किए हैं बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इस वीक भी आ, बाइंग जोन की बात करें तो आई थिंक चैनल मेंबर एज वेल एज़ ट्रेडिंग रूम में भी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया ये जो जोन या बॉक्स आप यहाँ पर देख रहे हो आई थिंक ट्वेंटी पॉइंट्स का ही सिर्फ वो बॉक्स है और उस बॉक्स के बाद अगर आप एक्कूबलेशन के बाद सीधी एक रैली देखो तो दिस इज़ अ बॉक्स एंड दिस इज़ दी आउटकम और ये जो आउटकम है आई थिंक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ ये चैनल मेंबर की अपडेट है 17,010 से लेके 17,030 तक के सपोर्ट हैं एंड आफ्टर दैट मार्केट नेवर लुकड बैक सिनारीोज़ के हिसाब से जिस तरह से मार्केट अब दिख रहा है जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं अगर इन सबको डिलीट करें और एक एंटिसिपेशन देखें क्योंकि ये जो है वो तो कंप्लीट हो चुका है नाउ आर वी हैडिंग फॉर द फ्रेश हाई और आर वी हैडिंग टू टैग द न्यू लो मेरे हिसाब से जिस तरह से सीन सिनारी यहाँ पर दिख रहे हैं ये यह देखो यहाँ पर इंटरनल ये जो ब्रेकआउट आया है टेक्निकली इतनी सी इंफॉर्मेशन ने ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बदल बदल कर रखा हुआ है विच मीनस बदलाव वहाँ वहाँ पर थोड़े हो चुके हैं अगर एज ए ट्रेडिंग परस्पेक्टिव इफ वी आर एंटिसिपेटिंग समथिंग लाइक दिस तो हमने क्या करना है इस वेव का फिनिश पॉइंट देखना है अगर आप लास्ट वीक या लास्ट टू लास्ट वीक का स्नैपशॉट या फिर ट्रेडिंग रूम का सेशन देखें मोस्ट ऑब्ली शायद यही वाला है तो मैंने आपको बताया था कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर इस वेव का फिनिश पॉइंट नहीं है उसके बाद क्या हुआ है मार्केट ने एक नया टॉप लगाया एंड राइट नाउ जहाँ पर ये प्राइस खड़ा हुआ है अगेन ये टॉप होता अगर ये लाइक लाइक ब्रेकआउट या इतना ग्रीन कैंडल यहाँ पर नहीं आया होता विच मीन्स ये जो इंटरनल यहाँ पर देख रहे हो वन टू पॉसिबल थ्री फोर्थ एंड फिफ्थ यहीं इसी रेंज में कंप्लीट हो जाता दैट्स अ टॉप फॉर दिस एंड देन यूर लुकिंग फॉर दी डाउन वेव सो हुआ क्या एक ब्रेकआउट आया हुआ है वन आवर पर अगर उसे एनालाइज करें तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर में एक बहुत सिंपल सी कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है विच मीन्स आप यहाँ पे ट्रेंड बना सकते हो दैट्स द ट्रेंड यू वुड बी फॉलोइंग एंड उसके साथ साथ जब तक मार्केट इसके अपर साइड पर रहेगा अगर मार्केट यहाँ से टर्न बैक करे तो वेल एंड गुड इसे टॉप समझा जा सकता है एंड लाइक प्लान अकॉर्डिंगली फॉर द लोअर साइड बट जिस तरह से राइट नाउ मार्केट खड़ा हुआ है मेरे हिसाब से ये चैनल बना दो एंड इसके साथ साथ पे रियली क्लोज क्लोज अटेंशन टू वट दे डू हेयर क्योंकि जो इस मार्केट के की लेवल हैं वो हैं सत्रह हज़ार चार सौ पचास इस लेवल का क्या मतलब है इस लेवल का ये मतलब है कि ये वेव ख़त्म नहीं हो सकती जब तक आपका मार्केट 17450 के ऊपर डेली पर ट्रेड कर रहा है सो so, सिनारीोज़ के हिसाब से इस स्ट्रक्चर की जो की लेवल है या मैग्नेटिक लेवल है या फिर लेट से सपोर्टिव स्ट्रक्चर है वो 17,450 का है नाउ 16 uh, 17,600 का रेजिस्टेंस भी है पर ऑलरेडी 70 पॉइंट हम ऊपर आ चुके हैं विच मींस दैट हैज़ बीन वायलेटेड सो सिनारी एंड कंडीशन सिंपल सी हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये मार्केट अगर सीधा हाइस के लिए चला गया तो टेक्निकली ये इस पूरे के पूरे अपसाइड में इतना थोड़ा सा अनसस्टेनेबल करेक्शन रहेगा विच मीन्स ये ब्रेकआउट करता भी है तो ये कम्स बैक कर देगा एंड लूज के लिए लाइक एंटिसिपेटेड टारगेट हो सकते हैं सो सिनारी एंड कंडीशंस ना फ्रॉम ना ऑनवर्ड्स बहुत ट्रिकी एंड शॉर्ट टर्म रखे हैं क्योंकि ये जो पीस है ये अपने आप में अनसर्टेन रहने वाला है यहाँ पर जंक्शन बनेगा देर आर ट्रेडर जो एंटिसिपेट करेंगे ए बी सी एंड लुक फॉर द नेक्स्ट पॉसिबल वेव देर आर ट्रेडर्स हु वुड बी एंटिसिपेटिंग डब्ल्यू एक्स वाई एक्स एंड पॉसिबल सेट विच वन इज अ करेक्ट वन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस की वन आवर पर स्ट्रक्चर ने किस तरह से बदलाव दिखाएं विच मीन्स इफ यू आर लुकिंग फॉर ए फ्रेश बाई सेटअप इसको कंप्लीट होने दो कोई भी फ्रेश बाई सेटअप जैसे लास्ट टाइम यहाँ पर इस जोन के आसपास आया था इट्स हैड अ वेरी सिमिलर ए बी सी करेक्टिव स्ट्रक्चर दैट इज द रीजन आप यहाँ पर यह बॉक्स जो देख रहे हो इफ़ यू पे अटेंशन दैट इज द करेक्टिव स्ट्रक्चर बिहाइंड नाउ इसके सिनारियोज सेम रहेंगे अगर बाई सेटअप्स आपने देखने हैं एंड लेट्स से कंटिन्यूएशन के लिए देखने हैं आप यहाँ पर ब्रेकआउट की बजाय आप इसको कन्वर्ट लाइक करेक्ट करने दो और वो जो करेक्शन है जो लेवल हमने डिस्कस किया सेवनटीन थाउजेंड फोर फिफ्टी यहाँ पर फिनिश होकर ब्रेकआउट हो देना स्टार्ट कर देगा दैट यू बाय एंड दैट यू बाय फॉर दी इंटरनल स्ट्रक्चर विच मीन्स शॉर्ट टर्म क्योंकि ये जो पूरी की पूरी रेंज है ना यू कैन नॉट बी सो श्योर कि मार्केट यहीं से सीधा हाईस के लिए जाएगा सो कंडीशंस यहाँ पे अनसर्टन है वेरी सिंपल इस वीक की लाइक एनालिसिस लग सकती है अगर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर या क्लियर कट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आई थिंक लास्ट टाइम जो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कम्प्लीट हुआ था आई थिंक इट टुक अ लिटिल बिट टाइम टू कम्प्लीट एंड देन समवेयर हियर वी एंटिसिपेटेड कि 17,600 की पॉसिबल वेव हो सकती है सो जो सिनारी अभी भी बनते हैं मेरे हिसाब से इसमें इंटरनली एंटिसिपेट किया जा सकता है देन फर्दर अपसाइड क्योंकि ये सेवेंटी पॉइंट ऑलरेडी ऊपर आ चुका है बट ये कंप्लीट रहेगा फॉर द रेजिस्टेंस टेरिटोरी नाउ वेन कैन बी मेक इ सेल सेटअप्स फॉर द फ्रेश फॉर द लोज एंड द डाउन साइड मेरे हिसाब से ये जो ए बी सी करेक्शन दिख रहा है बेस्ड ऑन दिस यू कैन एंटिसिपेट अ सेवेंटीन थाउजेंड एट हंड्रेड का रेजिस्टेंस एंड पॉसिबल फॉर दैट वंस दे ब्रेक दिस स्ट्रक्चर ये पूरा का पूरा पीस फर्स्ट पीस में रहेगा बट अगेन ये भी ए बी सी का रहेगा सो लेवल्स टू लोकेट फॉर दिस वीक सेवेंटीन थाउजेंड एट हंड्रेड इज़ ए अपर रेंज इस वीक का जो अपर रेंज है वो सत्रह हजार आठ सौ के आसपास हम लोग ध्यान देंगे एंड सत्रह हज़ार चार सौ पचास का सपोर्ट लेकर हम लोग एंटिसिपेट करेंगे सो so, पॉसिबिलिटी इस पूरे के पूरे पीस में इन दो लेवल्स पे प्ले अराउंड करेंगे एंड कीप इन माइंड कि जब तक हम इस स्ट्रक्चर को और इस पैटर्न को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं ये इसे मेंटेन करता हुआ अपर रेंज के जो रेजिस्टेंस है उसे पुश करता रहेगा जैसे 17,600 से लेके अभी 17,670 छः सौ से छः अस्सी पर खड़ा है वैसे अभी नेक्स्ट सत्रह हो गया सो वंस ये कंप्लीट होता है और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अगर होल्ड करता है मार्केट तो ये सत्रह से फिर टैग कर देगा बट अगेन ये अगर सिंगल पीस में नया ऑल टाइम हाई बनाता है तो वी नीड टू चेक कि इसके कैरेक्टरिस्टिक हाइज बनाने के बाद क्या होते हैं क्या वहाँ पर सीधा टैग करने के बाद मार्केट हर्डल लेता है क्योंकि अगर यहाँ पर जरा सी भी इसने हर्डल या फिर लेट से कोई वीकनेस दिखाना स्टार्ट कर दी फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स ये इंडिकेशन होगा फॉर द फ्रेश सेल सेटअप्स फॉर द डाउन एक तो कंडीशन से हो जाएंगी अदरवाइज यू जस्ट मेंटेन ऑन अ ब्रेक ऑफ दिस स्ट्रक्चर एंड समवेयर हियर यू आर लुकिंग फॉर द नेक्स्ट पॉसिबल वेव

इस एनालिसिस को करने के पहले मैं एक्चुअली आपको कुछ पिक्स बताता हूँ जो मैंने एक्चुअली इस वीक पिक करी हैं फॉर दी ट्रेडिंग रूम मेम्बर्स विच इज़ फर्स्ट इज एच डी एफ सी बैंक जिस तरह से इस स्टॉक जो कंजस्ट करती है बैंक निफ्टी अगर उसके वीकली या मंथली स्ट्रक्चर देखें ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है यहाँ पर टैगिंग हो चुकी है बैंक निफ्टी में ये मिसिंग है सो so सिनारी के हिसाब से ये जो पूरा का पूरा पैटर्न है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये भी अगर सिंगल पीस में अपने आप को कंटिन्यू करता है तो उसके जो रेजिस्टेंस है वो है 1600 के एंड जो सपोर्ट इस मार्केट में अभी बनकर आ रहे हैं 1400 के विच मीन्स इफ़ यू पे अटेंशन वन दैट्स वेरी आइडेंटिकल फॉर्मेशन सो विच मीन्स की जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है एच डी एफ सी बैंक हो गया कोटक बैंक हो गया आई थिंक कल ही हमने डिस्कस किया एक आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक पर वो सी वेव के लिए है सो मोस्ट प्रॉब्लीफ यू पे अटेंशन ऑन दीज वेव द पॉसिबिलिटी फॉर दीज वेव टू टैग दिस एज वेरी मच पॉसिबल विच मीन्स क्योंकि बैंक निफ्टी का अपने आप अप में अनसर्टन है पर क्योंकि जो स्टॉक वो कंजिस्ट करता है उसके पैटर्नस एंड स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए हैं तो एक बैंक निफ्टी ने पैटर्न एक्चुअली वायलेट किया है ये सुपर रेजिस्टेंस है या फिर लेट से एक जो रजिस्ट ये जो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस है इसने करना ये था वन टू थ्री फोर फाइव और सेम केस यहाँ पर देखो ये ट्रेंड जब तक इसके लेफ्ट साइड है यही हमने अभी निफ्टी में डिस्कस किया पर अगर इसने फॉल करना है तो यहीं से ब्रेक करना है एंड देन कम बैक एंड टैग द लोस अभी इसने क्या किया है पूरा हाईज टेकन आउट किया Now, है ना इसके साथ साथ अगर एच डी एफ सी बैंक या फिर कोटक बैंक या फिर आई डी एफ सी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक एस बी आई भी हो गया ये स्टॉक्स हम देखें तो पूरे के पूरे इंडिकेशन कर रहे हैं शेलो करेक्शन एंड अ लिटिल बिट मोर अपसाइड कितना अपसाइड आई थिंक वो एक अनसर्टेनिटी है अगेन इन द मार्केट कि ऑल टाइम हाइज के लिए आई थिंक कीप इट वेरी शॉर्ट टर्म मुझे लगता है कि ये जो करेक्शन है शेलो है लेट्स एंटिसिपेट फॉर दिस एंड इसके बाद जो सिनारी रहेंगे क्योंकि यहीं पर जंक्शन बनेगा यहीं पर पैटर्न कम्पलीशन रहेगा पर अगर ये पैटर्न इस तरह से दिखता है तो चांसेस फिर काफ़ी कम है बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी फिर इन लोज़ को दोबारा टेस्ट करेगा क्योंकि बैंक निफ्टी की जो पैटर्न है इस लोज को टेस्ट करने के लिए वो सिमिलर टू इस तरह से दिखना चाहिए दैट शुड भी आई थिंक ये ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा ऑन द लोअर साइड सो विच मीन्स अभी यहाँ पर शैलो करेक्शन है स्टॉक्स से हमने जो इंफॉर्मेशन ली है उससे ये एंटिसिपेशन है एंड वंस इट कम्प्लीट्स दिस स्ट्रक्चर विल रीड दिस एज ए डब्ल्यू एक्स वाई और उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मेशन रहेगी इट्स इट्स गोइंग टू बी अ सेम एज ए डब्ल्यू एक्स वाई मेक दैट एज ए स्ट्रांग सपोर्ट ये पूरा का पूरा जो सपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रांग बनने वाला है पर यह तभी बनेगा जो ब्लैक डिग्री आप देख रहे हो उसका लुक लाइक सिमिलर रहे टू दिस पैटर्न विच मीन इट शुड फेस रजिस्टेंस ईयर ये सीधा नहीं निकलना चाहिए तो वो कंडीशन यहाँ पर फॉलो करनी पड़ेंगे इन द मीन वाइल अभी के लिए क्या एंटिसिपेट करूँ बैंक निफ्टी से बेस्ड ऑन ऑल इन्फॉर्मेशन वी आर एंटिसिपेटिंग दिस इसके जो सपोर्ट या रजिस्टेंस हैं इस वीक के लिए थर्टी एट थाउजेंड के आप रजिस्टेंस एंटिसिपेट कर सकते हैं सपोर्ट की बात करें तो आई थिंक थर्टी सिक्स थाउजेंड के यहाँ पर सपोर्ट हैं तो दैट्स द सपोर्ट On the daily डेली स्ट्रक्चर वेन इट कम्स टू दैंक निफ्टी एंड द स्टॉक्स एंड दफ्टी दैट्स द अपडेट फ्रॉम माई साइड इसके साथ साथ आपके questions हैं ऑल right गाइज वीडियो खत्म करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पब्लिक वेबिनार होते हैं अगर आप ये अटेंड करना चाहते हैं तो ये पब्लिक टेलीग्राम चैनल हैं जिसे ज्वाइन कर कर हर फ्राइडे को रात आठ बजे ये लाइव सेशन आप अटेंड कर सकते हैं जहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस एंड क्योरीज रिगार्डिंग द चार्ट पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर या कोई स्टॉक है उसके बारे में पूछ सकते हैं वी विल बी आंसरिंग ऑल ऑफ दोज क्वेश्चन इन द लाइव सेशन सो विद डैट सेन द नेक्स्ट लाइव सेशन थैंक यू सो मच हैव ए लवली टेम